हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉमिक जोन। इंडियन फिल्म मेकर और एक्टर अनुराग कश्यप कभी पीछे नहीं हटे खुलेआम अपनी राय रखने में। अपनी आने वाली फिल्म दोबारा को प्रमोट कर रहे थे तापसी पन्नू के साथ, तभी उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यूनिटी पर अपनी बात रखी। अनुराग कश्यप से पहले मुकेश भट्ट ने कहा था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की यूनिटी बहुत ही कमजोर है। इसी के चलते रिपोर्टर ने अनुराग कश्यप से पूछा, मुकेश भट्ट के ओपिनियन से आप एग्री होते हैं? अनुराग कश्यप ने कहा, हाँ मैं उनकी बातों से एग्री होता हूँ क्योंकि मैंने भी ये सब देखा है और झेला भी हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की को लेकर। उन्होंने अपना कुछ हिस्सा भी शेयर किया। और वहीं तापसी पन्नू ने कहा, लाल सिंह चड्ढा हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा वाला ट्रेंड हमारी फिल्म को भी जरूरत है, वैसे ही हैशटैग की फिल्म को प्रमोशन करने के लिए आसानी हो जाएगी। और दूसरी खबर है, शहनाज गिल ने अनफॉलो कर दिया सलमान खान को इंस्टाग्राम पर। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। बिग बॉस 13 के बाद शहनाज गिल एक जाना माना चेहरा बन गया है। पिछले कुछ सालों से पंजाब की कैटरीना को दुनिया भर से प्यार मिलने लग रहा है और आज के दिन वो इंटरनेट की सेंसेशन भी है। जब भी शहनाज अपनी फोटो या वीडियोस पोस्ट करती है इंस्टाग्राम पर तो बवाल सा हो जाता है इंटरनेट पर। और दूसरी तरफ खबर निकल कर आई है, सना ने अपनी जगह बना ली है सलमान खान की आने वाली मूवी में। हाल ही के खबरों के अनुसार शहनाज गिल ने अनफॉलो कर दिया सलमान खान को इंस्टाग्राम पर और फैंस का भी यही कहना है शहनाज ने बंद कर दिया है सुपरस्टार को फॉलो करना। और खबर ये भी आई थी कि शहनाज गिल को कभी कभी दिवाली से निकाल दिया गया है और इस खबर से सभी फैंस हैरान रह गए, लेकिन अब तक इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है। जहां तक कहना है ये सब एक रूमर्स है। कहा जा रहा है शहनाज गिल अभी भी हिस्सा है सलमान खान की मूवी कभी कभी दिवाली का, और खबरों के अनुसार कभी कभी दिवाली का टाइटल चेंज होगा जल्द ही। कहा जा रहा है इस फिल्म का टाइटल होगा भाईजान। फिलहाल इसी की भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।